बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में बीते 3 दिन में गर्मी से 44 लोगों की मौत हो गई है। औरंगाबाद में ये आंकड़ा 16 है। 16 लोगों की जान हीट वेव में गई है। बिहार के भोजपुर में गर्मी से 10 लोगों की मौत हुई है। बक्सर और नालंदा में 5-5 लोगों की हीट वेव में जान जाने की रिपोर्ट है। बड़ी खबर बिहार से, 3 दिन के भीतर 44 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। सबसे डराने वाला आंकड़ा औरंगाबाद से सामने आया, 16 लोगों की मौत हो गई। बिहार के भोजपुर में गर्मी से 10 मौत और बक्सर नालंदा में 5-5 जिंदगियां हीट वेव में खत्म हो गई। बिहार में गर्मी और लू का ये प्रकोप देखिए, 3 दिन के भीतर हीट वेव से 44 लोगों के मौत का आंकड़ा सामने आया है। जहां पर लोकेशन वाइज आप कंडीशन देखिए। इसी बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, बिहार में एनडीए सरकार ही हठधर्मिता के कारण भीषण गर्मी में स्कूल खोलने से छात्र छात्राओं शिक्षकों की मौत की खबर है। विपक्ष के दबाव में एक दिन पहले स्कूल बंद किए गए, लेकिन फिर इस जानलेवा गर्मी में शिक्षकों को स्कूल आने के कड़े निर्देश भी दिए गए। जब छात्र ही स्कूल में नहीं रहेंगे तो शिक्षक क्या करेंगे। इस भीषण गर्मी में शिक्षकों को अवश्य ही छुट्टी देनी चाहिए। बिहार की एनडीए सरकार शिक्षकों के प्रति ऐसे अमानवीय निर्णय क्यों ले रही है। मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल वातानुकूलित कमरों में यानी एसी कमरों में आराम फरमा रहा है, तो शिक्षकों की जान लेने पर आमादा क्यों। ये बड़ा पोस्ट लिख करके एक्स पर पे तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। नीतीश को सीधे कोट करके पूछा है कि पूरा मंत्रिमंडल एसी कमरों में है, जब स्कूल बंद है तो टीचर्स को इस गर्मी में स्कूल में क्यों बुलाया जा रहा है, क्या काम है ऐसा, शिक्षकों के प्रति ये अमानवीय निर्णय क्यों ले रही है सरकार, इसे लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। आपको बताएं, कुछ दिन पहले ही स्कूल बंद करने का फैसला सामने आया। उससे पहले भी तेजस्वी ने ये सवाल उठाया था कि आखिरकार स्कूल क्यों खोला जा रहा है इस हीट वेव में। लेकिन अब दूसरा सवाल तेजस्वी यादव की ओर से है कि जब बिहार में हीट वेव से 44 लोगों की मौत का आंकड़ा है तो शिक्षक स्कूल क्यों जा रहे हैं जब बच्चों की छुट्टी है। ऐसा क्या काम है कि बच्चों की छुट्टी के बावजूद शिक्षकों को बुलाया जा रहा है जबकि पूरा मंत्रिमंडल एसी कमरे में है। तो देखिए, बिहार में स्कूल तो बंद कर दिए गए लेकिन शिक्षकों को राहत नहीं दी गई। शिक्षकों को सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल जाना है। शिक्षकों की मांग है कि उन्हें भी राहत दी जाए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए हमारे सहयोगी शशांक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भीषण गर्मी एवं हीट वेव को देखते हुए सीएम नीतीश के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिला अधिकारियों को चिट्ठी जारी की और आदेश दिया कि जो प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं एवं जो निजी कोचिंग संस्थान हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, वहां पर 30 मई से 8 जून तक शिक्षण कार्य बंद रहेगा। लेकिन कल शाम होते होते शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और ये आदेश दे दिया कि सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, शिक्षकों को स्कूल आना होगा। अब कहा जाए तो एक तरह से सीएम के आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। हम पटना में देखिए आदर्श बालक मध्य विद्यालय परिसर में है, यहाँ पर शिक्षक स्कूल आए हुए हैं, सर भी हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आज बच्चे नहीं आए हैं क्योंकि बच्चों के लिए स्कूल बंद है। ये आदर्श बालक विद्यालय यारपुर है, सभी टीचर्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं, स्टाफ रूम में बैठे हुए हैं। इन लोगों को कॉपी जांचने का आदेश दिया गया है, जो गैर शिक्षण कार्य हैं उसका जो है निष्पादन करना है। तो यहाँ पे भी देखिए टीचर्स यहाँ स्टाफ रूम में नजर आ रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी है। वैसे देखिए यहाँ पे पंखे की व्यवस्था है, पानी पीने के पानी की भी व्यवस्था है, लेकिन गर्मी काफ़ी है और पसीने से लथपथ हैं शिक्षक। हम थोड़ा बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ? राकेश रंजन। यहाँ पे आप शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक हैं। गर्मी काफ़ी है, बच्चों के लिए तो स्कूल बंद कर दिया गया लेकिन शिक्षकों को आना है, आप लोग आए हुए हैं, पसीना से लथपथ है? नहीं, आना तो है ही, लेकिन केवल ये गुजारिश होगा सरकार से कि डिपार्टमेंट से अगर थोड़ा सा हम लोग पे भी मर्सी करके थोड़ा समय कटौती किया जाए तो हम लोग के लिए बेहतर रहेगा। के पाठक का आदेश यही है कि 6 बजे से 1:30 बजे तक आप लोग को स्कूल में रहना है, तो आप लोग चाहते हैं कि इसमें थोड़ा कटौती की जाए ताकि गर्मी से राहत। हाँ, थोड़ी सी राहत मिल जाए, थोड़ा पहले अगर हम लोग छुट्टी मिल जाए तो सब लोग घर पहुंच जाए। और शिक्षक हैं यहाँ पर, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? योगेंद्र कुमार।
गर्मी काफ़ी है, बच्चों के लिए तो बंद है लेकिन आप लोग के लिए खुला हुआ स्कूल आए हुए हैं। अब सरकारी नियम के तहत हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग भी आदमी हैं, शिक्षक हैं, तो ज़्यादा मन लगता कि हम लोग को कुछ टाइम का कुछ प्रेफरेंस रहता है, जैसे 7 है, 7 से 10 है, 11 है, और 11 बजे तक भी है, वैसे बच्चे रहते हैं तो काम काफ़ी रहता है। तो हम लोग को केवल डाटा एंट्री करना है, 3-4 घंटा हम लोग काम कर लेते हैं तो सफिशियंट है, वो सब काम हम लोगों का हो जाता है। आप लोग चाहते हैं कि जो 6 से 1.5 बजे तक आप लोग को स्कूल में रहना, इसमें समय में कटौती की जाए? हाँ, कुछ अगर जो किया जाए संभव हो विभाग के माध्यम से तो बहुत यह रहता हम लोगों के लिए भी। यहाँ पर पंखे की तो व्यवस्था है लेकिन गर्मी काफ़ी है, इससे भी राहत जो है वो नहीं मिल रही है शिक्षकों को। और भी यहाँ मैडम हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त आदर्श कन्या मध्य विद्यालय यारपुर में है, उसके परिसर में यहाँ मैडम है। पूछते हैं पहले क्या क्या काम कर रही हैं मैम? बगल वाले जो हैं मिशन दक्ष वाले का कॉपी जांच रहे हैं। कॉपी जांचने को ही आप लोग को कहा गया है 6 से 1.5 तक? नहीं छाओ, अब जो समझिए आप लोग। अच्छा, नाम क्या है? सुनीता कुमारी। बच्चों के लिए स्कूल बंद है, आप लोगों के लिए खुला हुआ है। गर्मी काफी है, कई बच्चे बेहोश हो रहे थे, तबीयत भी गड़ रही थी, तब ये निर्णय लिया गया, लेकिन शिक्षकों के लिए खुला हुआ है। तो हम लोग क्या करें, सरकार से बंधे हुए हैं, नियम से बंधे हुए हैं और सरकार से भी बंधे हुए हैं, तो क्या करें, आना है। आपके जो साथ के लोग हैं वो लोग मांग कर रहे हैं कि समय में कटौती की जाए। हाँ, अगर मिल जाए तो बहुत खुशी की बात। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।